और दोस्तों जरा ये वीडियो देखना, पंडित नमस्कार जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल प्रिय रहे हैं। और परिजन, बहुत ही अच्छी आज बात एक बोली है बहुत पंडित जी जरूरी ने, बात तो आपको बता रहा आप हूँ, भी सुनिए इसको, ध्यान दें। सुनिए। हम जब हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हम जब ज्यादातर लोग जब नोट गिनते हैं ना, इस तरीके से, तो थूक लगाते हैं। अब आप देखिए, थूक किसका है? किसी पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, गंवार का है, चोर उचक्के का है, शराबी का है, कबाबी का है, दुकानदार का है, मांस बेचने वाले का है, गाय काटने वाले का थूक है, इंजीनियर का है, बुद्धिजीवी का है, राजनेता का है, शरीफ का है, बदमाश का है, लुच्चे का है, लफंगे का है, ये सब इसमें लग रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें और इस दूषित और प्रदूषित नोट को किसी भी धार्मिक स्थल बढ़िया, पर या बहुत बढ़िया, धार्मिक बहुत बढ़िया, आयोजन पर बहुत अच्छी बात। दान दक्षिणा में मत दें। किसी पंडे को, तो दोस्तों महाराज देखो को, पंडित जी बहुत अच्छी पुजारी बात बोल को रहे हैं, वाकई बिल्कुल में ना ही दें। बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में केवल पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, केवल पुष्प चढ़ाएं, वरना इस गंदे अपवित्र नोट को, जिसकी भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप चढ़ाएंगे तो महापाप के भागीदारी होंगे। आइंदा मेरी इस बात को पंडे पुजारी सुन करके बड़ा मुंह बनाएंगे। ये तो रुपेट पे लात मारने वाला आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन आप विचार कीजिए, कितना गंदा प्रदूषित टीबी का मरीज का थूक, व्यभिचारी का थूक, मांस काटने वाले का थूक, उसको हम मंदिर में भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पंडे और पुजारी को हम भेंट में दे रहे हैं, और समझ रहे हैं हमने बड़ा पुण्य किया। भगवान को भयंकर हमारे पुष्प, पाप है, हमारे सिर्फ पुष्प और हमारी सिर्फ आस्था ही पसंद महापाप है, है, अदरवाइज महापाप है। भगवान को पाप के कैसे क्या भागीदारी मत होगा यार, बनिए, भगवान ने केवल ही हमें पुष्प दिया है। अर्जित कीजिए। तो अगर दोस्तों कोई फिर धार्मिक पंडित जी की अनुष्ठान बात पे कराना जरूर है, अमल करें, पंडित जी को हाथ और जोड़ के मुझे बहुत अच्छा पूरी लगा बात पंडित जी ने बताइए, ऐसी बातें उनको बोली। और पुष्प पंडित जी अर्पित कह रहे हैं कीजिए, जैसे कि बस क्या यही नाम है, कहना। बहुत से अब आएंगे सो कॉल्ड, अब पंडित जी को गालियां देंगे।